हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस लेक्चर को आप सप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के साथ। पहले कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखेंगे, तभी न्यूमेरिकल का लेक्चर आपको समझ में आएगा। जो न्यूमेरिकल निकल कर आए, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट से निकल कर आए ना, कुछ ऐसा तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड्स में जो बातें लिखी गई है उनको अप्लाई करते हुए हम कुछ वैल्यूएशंस वगैरह करने हैं। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर अगर मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की बात करूं तो तीन टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करा है तो उसकी कॉस्ट निकालने के बारे में बात कर रहा है। आपने कुछ परचेज प्राइस दिया होगा, फिर कुछ और कॉस्ट भी इंकर करी होगी। तो किन किन कॉस्ट को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में लेकर जा सकते हैं और किन कॉस्ट को आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में नहीं लेकर जाना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोलेंगे ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें। डेप्रिसिएशन के बारे में हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, एक सेपरेट लेक्चर भी है डेप्रिसिएशन के ऊपर, साथ ही साथ हमने NCERT के अंदर जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन दे रखे उनको भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो इस लेक्चर के अंदर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कम होंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस कर रखा है, उसको डिस्पोज करने की बात चल रही है या फिर कुछ रिप्लेस करने की बात चल रही है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करी जाएगी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन। कह रहा भी है वहां पर एक फ्री होल्ड फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है जिसको तोड़ेंगे और फिर से रीडेवलप करेंगे। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। जो भी प्रोडक्शन चल रहा है उसको शिफ्ट कर देंगे। कह रहे हैं उस शिफ्ट के लिए हमारा खर्चा होगा, सेटअप कॉस्ट है नई जगह की जो न्यू लोकेशन है उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, रेंट है 15 लाख रुपए, रिमूवल कॉस्ट पुरानी लोकेशन से हटाने की कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन टू द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। कह रहे हैं जो न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें आप किस कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब है कि आप कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर तो वही खर्चा जाना चाहिए, वही कॉस्ट आनी चाहिए जो उस बिल्डिंग को बनाने में लगी, जो जरूरी है उसको बनाने में। आपने जो प्रोडक्शन ये साइट को शिफ्ट करा वो बिल्डिंग को बनाने के लिए जरूरी थोड़ी ना थी। तो इस केस के अंदर जो भी आपने ये प्रोडक्शन फैसिलिटी को शिफ्ट करा इसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कैपिटलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई एक असेट बिल्ड हो रहा है उसके साथ फ्यूचर में आपको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के शिफ्ट होने से ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपका रिवेन्यू वाला बेनिफिट है, ना कि कोई एसेट आपका बिल्ड हो रहा है। तो इस केस के अंदर ये जो आप सारे खर्चे कर रहे हैं शिफ्ट करने के, ये सारे के सारे आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इनको आप मानेंगे एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये जाएगा सारा का सारा एक्सपेंस के अंदर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितना कैपिटलाइज करना है तो आंसर है जीरो जीरो। अगला क्वेश्चन आता है, ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट इन 3 मंथ्स टाइम। बड़ी मशीनरी है जी, 3 महीने लग जाएंगे इंस्टॉल करने में। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस टाइम लीड। जो भी टाइम लग रहा है आने में उतने में फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन एंड लिंग फाउंडेशन वर 1,40,000। These activities were supervised by a technician during the entire period. एक technician को भी बुला रखा है और उसने हर महीने के 45,000 rupees लिए हमसे ये मशीनरी को लगाने के लिए। ठीक है, द मशीनरी वॉज purchased at purchase price है 1,58,00,000, महंगी मशीन है, एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर incurred टू ब्रिंग द मशीनरी टू द फैक्ट्री साइट। एंड आर्किटेक्ट वॉज अपॉइंटेड, एक आर्किटेक्ट को भी अपॉइंट करा, हमारी जो फैक्ट्री बन जाए उसके अंदर लगेगा तो आर्किटेक्ट भी चाहिए, उसको 30,000 rupees दिए इस मशीनरी के इंस्टॉलेशन के रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है जी आप बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज। चलिए, मशीनरी को कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपकी फैक्ट्री तक लाने में, उसको ऑपरेशनल करने में जितना भी खर्चा होता है जो जरूरी है उसको आपको कैपिटलाइज करना होता है। इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो परचेज प्राइस लिख लेते हैं 1,58,00,000, ये तो आपको कैपिटलाइज करना है तो कॉस्टिंग में जाएगा ही जाएगा मशीनरी की। इसके बाद देखते हैं क्या क्या जाएगा। पहला खर्चा आता है, हमने एक फाउंडेशन बनाई, जरूरी थी फाउंडेशन बनाना तो इसको ऐड करेंगे 1,40,000। इसके बाद
हमने एक सुपरवाइजर को, टेक्नीशियन को हमने रखा है जो सुपरवाइज कर रहा है, 45,000 पर मंथ लेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जहां पर भी मंथ डेट वगैरह, 3 महीने का टाइम है इसको इंस्टॉल करने का, तो ये 45,000 पर मंथ का ले रहा है। अगर हम 3 महीने का निकालेंगे तो 1,35,000 हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी जरूरी है, देखो इसको पैसा देना ही पड़ेगा टेक्नीशियन को, इसके बिना काम नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करा 50,000, हमने अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो खर्चा करा वो भी कैपिटलाइज होगा, जरूरी है। हमारी फैक्ट्री तक आने में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी मशीनरी को चलाने तक खर्चा हो रहा है, उसको आपको कैपिटलाइज करना है। उसके बाद एक आर्किटेक्ट को आपने अपॉइंट करा, उसको आपने 30,000 रुपीज दिए इस मशीनरी को सुपरवाइज करने के इंस्टॉलेशन। तो सारी की सारी जो कॉस्ट लगे यहाँ पे, सारी की सारी इंस्टॉल होगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि कौन सी कॉस्ट ऐसा वो आप लेकर नहीं जाओगे इसकी कॉस्टिंग के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एडवर्टीजमेंट निकाल दी जी, अब हमने ओमेगा लिमिटेड ने नई मशीनरी खरीदी है और इस नई मशीनरी से हम बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करने वाले हैं, आपने उसके ऊपर 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए, आप मशीनरी की फोटो दिखा रहे हैं, देखिए जापान से मंगवाई हमने, ऐसा ये खर्चा करना, ये जो खर्चा किया आपने 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करने का, उससे कोई आपको जरूरी नहीं था इस पर्टिकुलर मशीनरी को आपकी फैक्ट्री में लाने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो उस खर्चे को, 2 लाख रुपए के खर्चे को एडवर्टीजमेंट के, आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में लेकर नहीं जाएंगे। चलिए अब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कितने निकल कर आती है, 1,40,50, 190, 192, 220, तो 335 ये हो गया, 335 प्लस 158, 355 हो गया ना, 355 एंड आपका 158, तो 161,55 ये आपकी कॉस्टिंग निकल कर आती है प्लांट एंड इक्विपमेंट की। चलिए जी अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन, कह रहे ट्रायल रन करना है तो उसके लिए एक सॉफ्ट पार्क, जो हमने अम्यूजमेंट पार्क बनाया उसकी एक सॉफ्ट ओपनिंग कर देते हैं, ट्रायल रन कर लेते हैं। टिकट थी 1,000 रुपए की जिसको बेचा गया 50% डिस्काउंट पे ड्यूरिंग द पीरियड एंड द ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%। ठीक है, द ऑफिशियल ऑपरेटिंग कैपेसिटी मतलब जितने लोगों को बुला सकते हैं उसमें से 80% को ही बुलाया गया। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने के बाद ओपन करा जाएगा। मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। आप कोई भी ऐसी बड़ी मशीनरी वगैरह चला रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको एक ट्रायल रन करना पड़ता है देखने के लिए कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। अब इस अम्यूजमेंट पार्क को बनाने में आपने बहुत ज्यादा खर्चा करा होगा, इसका एक ट्रायल रन करना देखने के लिए जरूरी है कि सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें जो भी आपने झूले वगैरह लगा रखे हैं, चाहे वाटर पार्क बना रखा हो, कुछ भी बना रखा हो आपने, तो उसको आपका ट्रायल रन करना बहुत जरूरी होता है। तो ट्रायल रन का जो भी खर्चा आता है आप उसको उस पर्टिकुलर मशीनरी या फिर प्लांट के इक्विपमेंट की कॉस्टिंग में लेकर जाते हैं, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में बोल रखा है। अब यहाँ पर कॉस्टिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉस्टिंग आप लिखेंगे इस सॉफ्ट रन या फिर सॉफ्ट ओपनिंग ट्रायल रन को करने में 10 लाख का खर्चा है। आपको पूरा एक बिजली का खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, कुछ आप टेक्नीशियन वगैरह बुलाएंगे एम्यूजमेंट पार्क को चलाने में, तो कह रहे 10 लाख का खर्चा आ जाएगा सॉफ्ट ओपनिंग करने में। ठीक है, अगर बात करें इसमें हमें कुछ पैसा मिल भी रहा है तो पैसा मिल कितना रहा है, 1,000 रुपए की टिकट है जिसको 50% डिस्काउंट पे बेचा है तो 500 की टिकट बेची है। यहाँ पर टोटल कैपेसिटी है 500 पीपल की और ऑपरेटिंग कैपेसिटी 80% मतलब 400 पीपल आएंगे तो हमें यहाँ से 2 लाख रुपए मिलेगा। तो कह रहा है कॉस्टिंग है 10 लाख रुपीज, तो कितनी कॉस्ट को, पहली बात तो क्या पता आपको कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना। यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि 10 लाख रुपए को आप एक्सपेंस मान लो, 2 लाख रुपए को आप इनकम मान लो। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, AS10 की बात करें, तो वो बोलता है कि ट्रायल रन जो जरूरी है करना उसको आपको कैपिटलाइज करना है। तो इस केस के अंदर हम 10 लाख रुपीज को कैपिटलाइज करेंगे मतलब एम्यूजमेंट पार्क की कॉस्ट में लेके जाएंगे। उसके बाद साथ साथ बोलता है अगर इस ट्रायल रन के अंदर आपको कुछ रिकवरी हो रही है उसको आप लेस भी कर देंगे, तो नेट जो आपको खर्चा आ रहा है उसको आप कैपिटलाइज करेंगे जो कि है 8 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटिटी ए एक्सचेंजेस लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज, इन्होंने लैंड को एक्सचेंज करके कोई ना कोई एक असेट को परचेज कर रखा होगा। अब इस केस के अंदर देखो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू का मतलब है आपने रिकॉर्ड कर रखा है अपनी किताबों में 10 लाख रुपए की लैंड, मतलब आपने परचेज कर रखा होगा उसी पर आपने रिकॉर्ड कर रखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता मार्केट वैल्यू तो बात अलग होती, ये तो मार्केट वैल्यू तो बढ़ती रहती है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है
एंटिटी ए ने एक्सचेंज करी एक लैंड जिसकी उसकी बुक पे वैल्यू आ रही थी 10 लाख रुपीज, उसके अगेंस्ट क्या लिया फॉर कैश ऑफ 20 लाख, 20 लाख भी लिया और एक प्लांट एंड मशीनरी भी लिया 25 लाख रुपीज की। वॉट विल बी द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट रिसीव्ड। अब जो आपने असेट को रिसीव करा है उसको आपको कितने रुपए में रिकॉर्ड करना है। कंसिडर दैट द ट्रांजेक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल मतलब बिजनेस का एक सब्सटेंस है, बिजनेस के लिए हित में एक ट्रांजेक्शन वगैरह करेगी, एक बिजनेस का सब्सटेंस है। अब इस केस के अंदर ये कमर्शियल सब्सटेंस का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्टैंडर्ड अलग अलग बातें करते हैं। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो सबसे पहले अगर कोई आप प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हैं तो आप जो पैसा दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो हम पैसा दे रहे हैं परचेज प्राइस है, जो खर्चा कर रहे हैं वही हमारी कॉस्टिंग है मशीनरी की। बट यहाँ पर तो हमारा कोई कैश की पेमेंट है नहीं, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं लैंड। तो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है जो आप असेट दे रहे हैं, जो गिव अप कर रहे हैं, उसकी जितनी वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं तो ये बोलूंगा ना, मैंने अगर कोई मशीनरी परचेज करी है उसके बदले कोई और असेट दे दिया तो मैं बोलूंगा इस असेट की मार्केट में क्या वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं जो मैं असेट ले रहा हूँ उसकी वैल्यू को मैं मानता हूँ ना उतना है। जो मैं असेट दे रहा हूँ मैं मानता होगा कि इससे इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, इतनी इसकी कॉस्ट होगी जो एक असेट नया आ रहा है। तो यहाँ पर जो तरीका होता है वैल्यूएशन का, जो आपने असेट को गिवन अप किया है उसकी फेयर वैल्यू से आप जो इनकमिंग असेट है उसकी कॉस्ट को कंसिडर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे को फेयर वैल्यू की इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, यहाँ पर तो बुक वैल्यू दे रखा है जी 10 लाख की बुक वैल्यू है, तो आप क्या करें। तो इस केस के अंदर अगर आप जो असेट गिव अप कर रहे हैं उसकी आपके पास वैल्यू नहीं है, तो उस केस के अंदर जो असेट आपके पास आ रहा है आप उसकी वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मशीनरी को हम रिकॉर्ड करेंगे 25 लाख का ही, साथ में हमने कैश रिसीव करा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो मशीनरी की मोटा मोटी वैल्यूएशन हमारी बुक में 25 लाख की होगी। इसके बाद जो हमने कैश रिसीव करा बैंक अकाउंट में हमारे 20 लाख रुपीज आ जाएंगे, और आपको बुक वैल्यू से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको 35 लाख रुपीज का बेनिफिट हो गया। 10 लाख रुपए बुक वैल्यू है और आपने 45 लाख रुपीज आपने कहीं ना कहीं रिसीव कर लिए, 20 लाख रुपए कैश एंड 25 लाख की मशीनरी, तो 35 लाख का आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि मशीनरी को आपको कितने रुपए पे रिकॉर्ड करना है। अगर यहाँ पे दिया होता कि बुक वैल्यू 10 लाख है बट फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू 30 लाख रुपीज है इस मशीनरी की, 30 लाख रुपीज है इस मशीनरी की, ओ मशीनरी की नहीं सॉरी लैंड की, लैंड हमने गिवन अप करी ना, तो 30 लाख रुपीज की फेयर वैल्यू है। तो उस केस में क्या करते हैं, 30 लाख यार हमारे 30 लाख की वैल्यू है, हमने इसको लैंड दिया, 20 लाख तो हमने कैश ही दे दिया, बैलेंस बचा 10 लाख। तो उस केस के अंदर आप इस मशीनरी को वैल्यू करते हैं 10 लाख रुपीज पे, 10 लाख रुपीज पे वैल्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख। आप कह रहे हैं उन्होंने कार को एक्सचेंज करा है जिसकी बुक वैल्यू 13 लाख है, उसकी फेयर वैल्यू भी दे रखी है 13,25,000। ठीक है, फॉर कैश, इसके अगेंस्ट क्या लिया उन्होंने, एक तो कैश लिया 15,000 रुपए का और साथ में कार ले ली, कार के साथ कार एक्सचेंज कर ली, कार वाई ले ली जिसकी फेयर वैल्यू 13,10,000। द ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड आ गया वो है कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, कोई बिजनेस का सब्सटेंस नहीं है, आपने एक्सचेंज कर लिया। तो उस केस के अंदर जो स्टैंडर्ड कहता है कि आप अपनी जो बुक्स है ना उनको चेंज नहीं करेंगे, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, आपने खामा का एक्सचेंज वगैरह कर लिया तो बुक्स आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला कि जो आपने असेट को दिया उसकी बुक वैल्यू पे ही आप रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू पे ही आप रिकॉर्डिंग करेंगे। आपने असेट दिया ये कार एक्स दी जिसकी बुक वैल्यू 13 लाख है, इसी के बेसिस पे जो इनकमिंग असेट है उसकी रिकॉर्डिंग करी जाएगी। आप यहाँ पर कह रहे हैं जी कार वाई आई जो कि 13,10,000 की फेयर वैल्यू है, साथ में आपको 15,000 रुपये कैश आया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नई कार कार वाई आ रही है उसको आप अपनी बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कितना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 13 लाख की बुक वैल्यू है जिसमें से अगर हम कैश को निकाल दें, कैश वालों हमें पेमेंट होगी, बैलेंस जितना अमाउंट है, बैलेंस जितना अमाउंट है जो कि है 12,85,000 रुपीज, इतने पे आप इनकमिंग कार जो इनकमिंग नई आपका एसेट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कोई बिजनेस का सब्सटेंस नहीं है, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फिर एक्सेप्शन है याद करना है। अगला क्वेश्चन आता है एंटिटी ए परचेज्ड एन एसेट ऑन 1st of January 2021, कोई भी अपडेट को मान लेना, x1 लिखा ना 21 मान लिया, फॉर 1 लाख रुपीज एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 इयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ नील, कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है।
On 1st January 2025, the directors reviewed the estimated life, decided that the asset will probably useful for further 4 years. Calculate the amount of depreciation for each year. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. अगर हम पहले साल का डिप्रिसिएशन निकाले 21 का, अब ध्यान रखेंगे 1st जनवरी है, तो पूरा का पूरा 21 में पूरे 31 दिसंबर तक का एक साल का डिप्रिसिएशन लग जाएगा. तो अगर 1,00,000 की बात करें, इसको आपको 10 साल में डिप्रिसिएट करना है, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन आएगा 10,000 रुपीज. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं 1st जनवरी 25 की, तो मतलब 21 का ईयर निकल गया, 22 निकल गया, 23rd निकल गया, 24th ईयर निकल गया, 4 साल निकल गए ना, तभी तो 1st जनवरी 2025 आ गया. तो उस साल तक हमने 4 साल की डिप्रिसिएशन ले लिया, मतलब हमने 40,000 की डिप्रिसिएशन ले ली होगी. तो उसके बाद अगर हम कैरिंग वैल्यू की बात करें इस प्लांट एंड मशीनरी की, वो कितनी रह गई होगी, तो वो रह गई होगी 1,00,000 में से 40,000 आप लेस कर देंगे तो 60,000 रुपीज की इसकी वैल्यू रह जाएगी. तो इस दिन डायरेक्टर ने रिव्यू करा, जी ये वाली जो हमने मशीनरी परचेज करी है इसकी वैल्यू अगर हम बात करें इसके आगे का यूजफुल लाइफ, वो अब 4 साल ही लग रही है. पहले लग रहा था 6 साल चलेगी, बट 4 साल ही लग रही है. तो इस केस में आप डिप्रिसिएशन को रिवाइज करेंगे और यहाँ से जो फर्दर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 15,000 के हिसाब से. तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आएगा वो स्पेसिफिक किसी ईयर का डिप्रिसिएशन पूछेगा, बेटर मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछेगा कि इसके बाद 2025 को कितना डिप्रिसिएशन लगना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. अ प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,00,000 वॉज रीवैल्यूड टू 90,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यूएशन होता है वो दो मॉडल होते हैं, एक रीवैल्यूएशन मॉडल और एक कॉस्ट वाला मॉडल. तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि रीवैल्यू करा गया तो रीवैल्यूएशन मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं. सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू द लैंड वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,05,000 एट द ईयर एंड 4. अज्यूम दैट द एंटिटी अडॉप्ट्स रीवैल्यूएशन मॉडल, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब आपने इस लैंड को डाउनग्रेड करा होगा 1,00,000 से 90,000 पे लेके गए होंगे, तब आपने 10,000 पे लॉस बुक करा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. आपने बोला मेरे एसेट की वैल्यू कम है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 10,000 रुपए का लॉस बुक कर लिया. अब जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उस केस के अंदर सबसे पहले आप रिवर्सल करेंगे, जितना आपने राइट डाउन करा था उतना रिवर्सल होगा. तो मतलब जब इसके प्राइसेस बढ़ गए तो 10,000 से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और उससे फर्दर भी अगर इंक्रीज हो रहा है ना, 1,00,000 से ऊपर चला गया, बैलेंस जो 5,000 है उसको आप लेके जाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाएंगे. और ये रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका जो इक्विटी वाला पार्ट है, इक्विटी पार्ट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं उसके अंदर शो होगा. इसका मतलब क्या है, इसका इंटेंट क्या है, क्यों ऐसा बोला गया, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग बोलता है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह बोलते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाए, बट अगर आपको लग रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को आप ऐसे बुक नहीं कर सकते. जितना इस केस के अंदर जितना आपने लॉस बुक किया था, आपको रिवर्सल भी उतना ही अलाउ करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी का जो प्रॉफिट है, आपकी कॉस्ट से ज्यादा का जो प्रॉफिट आप कह रहे हो सकता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत लेके जाओ, उसको सीधा आप लेके जाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट के अंदर. इतने से आपका एसेट भी बढ़ जाएगा और सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 5,000 का अमाउंट भी बढ़ जाएगा. स्पेसिफिकली अलग तरीके से दिखाओगे आप रीवैल्यूएशन का रिजर्व. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8. A machinery was purchased having an invoice price of 1,18,000, जिसके अंदर GST है 18,000. ये आपने purchase करी 1st April 2021 को. The GST amount is available as input tax credit. The rate of depreciation is 10% on SLM basis. The depreciation for year 22 and 23 क्या होगा? SLM basis पे है, तो 1,18,000 कितने साल? 10% है सीधा, जो 10% है. तो यहाँ पर हमारा 11,800 रुपए आ गए depreciation. तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है. आपको अगर कोई टैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो टैक्सेशन के बारे में बोल रखा है कि आपको वापस मिल जाएगा, तो उसको आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पर आपकी जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट होगी 1,00,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से. तो यहाँ पर जो आपका डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा पर ईयर का, वो निकल कर आएगा 1,00,000 रुपी, ना कि 1,00,000 रुपी नहीं, सॉरी 10,000 ना, क्या कर दिया, 1,00,000 की तो मशीनरी है उसका 10% 10,000, ठीक है जी, 11,800 नहीं 10,000 निकल के आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ध्यान से पढ़ेंगे.
भरत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्वायर्ड अ हेवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 लाख. द ब्रेक डाउन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, कह रहा है ये जो 1,000 लाख या 10 करोड़ की मशीनरी को परचेज करा है उसका ब्रेक डाउन नहीं दे रखा कि क्या क्या इसमें पार्ट है. द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स, 10 साल चलेगी, ठीक है. एट द एंड ऑफ ईयर 6 द टर्बाइन विच इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द मशीनरी नीडेड रिप्लेसमेंट. एज फर्दर यूजेज एंड मेंटेनेंस वॉज अन इकोनॉमिकल, क्या रहेगा इसको हम चेंज ही कर देंगे, नया पार्ट ले आएंगे. द रिमाइंडर ऑफ द मशीनरी वो गुड कंडीशन में रहेगी और एक्सपेक्टेड कि उससे 4 साल वो फिर चल जाएगी. द कॉस्ट ऑफ द न्यू टर्बाइन इज 450 लाख, 4.5 करोड़. गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द न्यू टर्बाइन अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%. यहाँ पर क्या बात बोली गई, सबसे पहली बात अगर हमसे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन पूछता है तो हम सीधा बोल देंगे 1,000 लाख 10 करोड़ की हमारी मशीनरी है, इसको 10 साल के लिए डेप्रिसिएट करना है तो 1-1 करोड़ का डेप्रिसिएशन हर साल हमें क्लेम करना है. ये बात यहाँ पे समाप्त होती है. इसके बाद ये बोल रहा है कि 6th ईयर में आपको रिप्लेस करना है, टर्बाइन एक पुरानी हट जाएगी और नई टर्बाइन आ जाएगी. अगर हम 6th ईयर के एंड में बात करें तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी, अगर हम 6 साल तक 1-1 करोड़ रुपए का क्लेम कर लेंगे डिप्रिसिएशन तो एट द एंड ऑफ 6th ईयर इसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 4 करोड़ या फिर 400 लाख, इतनी इसकी वैल्यू रह जाएगी कैरिंग वैल्यू. इसके बाद अब हमें जो टर्बाइन है उसको हम वापस परचेज करके लेकर आ रहे हैं तो इससे हमारी जो मशीनरी है उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाएंगे, जरूरी है. तो ये कॉस्ट तो हमारी ऐड होगी 450 लाख की, बट इसमें एक कैच है. आपने ठीक है जी न्यू टर्बाइन है उसको तो ऐड कर दिया कॉस्ट के अंदर, इससे आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे, आप अपना बिजनेस बेटर तरीके से कर पाएंगे, मशीनरी सही चलेगी, बट इसमें एक पॉइंट है, एक कैच है कि जो आपने पहले मशीनरी परचेज करी थी 10 करोड़ की उसमें भी तो ये टर्बाइन होगी, उसको भी तो आप डेप्रिसिएट करते आ रहे हैं. तो इस केस के अंदर जो पहले की टर्बाइन है उसकी कैरिंग वैल्यू कितना डेप्रिसिएट होगा, उसकी कैरिंग वैल्यू जितनी रह गई है उसकी तो आपको यहां से लेस करना पड़ेगा, कैरिंग वैल्यू आपको यहां से हटानी पड़ेगी जिस आप पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो कैरिंग वैल्यू निकाले कैसे, हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी इसमें कॉस्ट थी टर्बाइन की. अब टर्बाइन की जो हमें कॉस्ट दे रखी है वो 6 साल बाद की दे रखी है, कह रहे 6 साल बाद जो आप टर्बाइन परचेज कर रहे हैं वो 480 लाख की है. तो यहां पर आपको हिंट दे रखा है कि 480 लाख 6 साल के बाद है, तो उसकी वैल्यू हमें 6 साल पहले की निकालनी पड़ेगी. आज के दिन अगर हम परचेज करते तो उसकी वैल्यू कितनी होती, तो इसीलिए आपको दे रखा है 8% का डिस्काउंट रेट. तो इसके लिए हमें TCS की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उसका साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे. चलिए करते हैं, डिस्काउंट करेंगे मोटा मोटा, अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो इजीली आप इसको कर सकते हैं. चलिए करते हैं, डिस्काउंट रेट क्या दे रखा है 1.0. इसको करते कैसे, कैलकुलेटर आपके सामने, आप 1 रुपये को पहले डिस्काउंट करते हैं. इसने आपने यहाँ पे जो 8% का डिस्काउंट रेट है या फिर 8% से जो ग्रो करेगा आपने उसको उससे डिवाइड करा है. एक बार फिर से करेंगे, 1 / 1.08. इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये अगर 1 साल के बाद हमें मिलना है तो उसको अगर हम 8% से डिस्काउंट कर देंगे तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, आज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, हमें 8% का अगर आगे बेनिफिट मिल जाएगा तो इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से डिस्काउंट करके आज लेकर आ रहे हैं. 1 रुपये का हमने डिस्काउंट कर दिया. अब इसको हमें 6 साल के लिए करना है, 6 साल के बाद है ना वो 450 जो हमें लाख रुपीज का खर्चा करना है. अगर वो आज के दिन पे होता, आज के दिन पे क्या वैल्यू होगी, तो इसको हम करेंगे यहाँ से 6 से इसका स्क्वायर करेंगे जो भी इसका वो होता है, तो यहाँ पर 0.63. इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 रुपये 6 साल के बाद और आज के पैसे को कंपेयर करें 8% के डिस्काउंट रेट से, तो आज के 0.63 रुपीज आपके 6 साल के बाद 1 रुपये हो जाएंगे अगर आपको 8-8% का इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब यही है, 1 साल अगर आप 6 साल के बाद 1 रुपये को देखेंगे और आज के पैसे को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह डिस्काउंट रेट वैसे तो निकलता है, तो आज के 0.63 रुपीज 6 साल के बाद 1 रुपये के बराबर होंगे अगर आपका डिस्काउंट रेट 8% है. अब इसके अंदर 450 लाख 6 साल के बाद लगना है, तो आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको हम इंटू कर देंगे इंटू 450, तो क्या निकल कर आता है, 283.57. तो मतलब जो टर्बाइन स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी उसकी कॉस्ट होगी 283.57. अब 283.57 पे हमने 6 साल 10-10% के हिसाब से, ये स्टार्टिंग की कॉस्ट है,
इसमें से हम इसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो 283.57 में से हम 10-10% का हर साल का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 6 साल के लिए। तो 280 मतलब इस पे 28.357 का डेप्रिसिएशन 4 साल के लिए लगेगा। तो हम सीधा ऐसे कर लेते हैं, 283.57 6 साल के डेप्रिसिएशन के बाद 40% रह जाएगी ना, 60% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो इसको अगर हम 2.4 कर दें तो क्या निकल कर आता है, 113.43। तो ये कैरिंग वैल्यू है, 113.43 इज द कैरिंग वैल्यू। जो आपने टर्बाइन की कॉस्ट निकाली 6 साल पहले कितनी होगी, उसको अगर हम डेप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू, इतना टर्बाइन की कैरिंग वैल्यू बचे 113.43। अब आपने क्योंकि टर्बाइन चेंज कर लिया, नई टर्बाइन आ गई है, तो पुरानी टर्बाइन के जो कैरिंग अमाउंट है उसको आप लेस कर देंगे, 113.43 को लेस कर देंगे। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे दोनों मिला के कितना आ रहा है। हम करते हैं कैलकुलेट, 850 हो गया, इसमें से हम लेस कर देंगे 113.43। तो आपकी जो इस साल आपकी जो मशीनरी की वैल्यू आनी चाहिए वो 736.57 आनी चाहिए, इतने लाख आने चाहिए। ये सिक्स ईयर के बाद जो आपकी इस मशीनरी हैवी मशीनरी की वैल्यू है वो इतनी रहनी चाहिए, 736.57। इसमें आपने जो न्यू टर्बाइन डाली उसको ऐड करा, लेस करा आपने कैरिंग वैल्यू, जो पहले की टर्बाइन थी उसकी कैरिंग वैल्यू कितना बचा हुआ है उसको हटा दिया, क्योंकि अब तो चेंज हो गई ना। चलिए तो यहाँ पर आपका ये मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस कम है इस क्वेश्चन के आने के, बट ऑब्वियसली मेरे को तो पढ़ाना था तो मैंने आपको इसको करवा दिया। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके डाटा, बाय बाय।